बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक दिवसीय सोलन जिला के दौरे पर हैं, जहां उन्हें सबसे पहले अर्की विधानसभा क्षेत्र के कुनिहार में गंबर खड बनिया देवी बुगार मार्ग पर पुल तथा सड़क का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सीपीएस संजय अवस्थी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बद्दी में होने वाले कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। पत्रकारों से बातचीत में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़कों को बढ़ावा देने के लिए और उसका मरम्मत कार्य करने के लिए लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार कार्य कर रही है और इसके लिए जहाँ जहाँ भी बजट का प्रावधान किया जाना होगा इसके लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एनएच को बढ़ावा मिले इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की जा रही है और केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण स्तर की सड़कों को सुधारा जाए और दुर्गम क्षेत्रों का दौरा वे अपने दौरों के दौरान कर रहे हैं, क्योंकि आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सड़कों की हालत खराब है और इनको सुधारने और रखरखाव करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2400 किलोमीटर सड़क की मरम्मत व रखरखाव किया जाना है। इसको लेकर इतिहास में सबसे बड़ा बजट रहने वाला है। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पहला बजट 300 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को मिल चुका है और आगामी 2-3 दिनों में 2800 करोड़ रुपए का बजट केंद्र की ओर से प्रदेश सरकार को मिलने वाला है। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी होने वाली है और 2-3 दिनों में ये विशेष पैकेज सैंक्शन हो जाएगा। अभी नया बजट आया है, मुख्यमंत्री जी ने नया बजट पेश किया है और खस्ता हालत है को अलग अलग हेड्स में उनकी मरम्मत के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी यहाँ आने से पहले मैंने अधिकारियों के साथ इस क्षेत्र की जितने भी मुख्य सड़कें हैं उनके रखरखाव के लिए विस्तृत चर्चा करी है और आगामी समय में इसके लिए बजट नियोजन भी करवाया जाएगा और इनका इमीडिएट अलग अलग हेड्स में, चाहे वो CRF के माध्यम से, चाहे किसी को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करने के लिए पीछे 69 नेशनल हाईवेज में एक सड़क हमारी जो यहाँ से होकर रामशहर जाती है उसको डाला था, मतलब उसका अभी तक सिरे नहीं चढ़ी है। उसके लिए भी मैं केंद्र मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं उनसे मिलूँगा कि उन नेशनल हाईवेज को भी जो है वो बढ़ावा दिया जाए ताकि प्रदेश में जो ग्रामीण स्तर की सड़कें हैं उनको बेहतरीन किया जा सके। उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं और अब मैं व्यक्तिगत रूप से भी हर क्षेत्र का, खास करके जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सबसे दुर्गम क्षेत्र है जहाँ की सड़कों की हाल सबसे खस्ता है, सबसे पहला दौरा मैं उन्हीं क्षेत्रों का करूँगा। लगातार कर रहे हैं और पूरा जो सहयोग और समर्थन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की रखरखाव के लिए दिया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में हमें अभी जो है करीबन 300 करोड़ रुपए मिले हैं और उसका जो दूसरा पैकेज है करीबन 2800 करोड़ का, वो अगले 2-3 दिन में उसकी स्वीकृति भी केंद्र सरकार से मिलने जाने वाली है। इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। ये सबसे बड़ा पैकेज आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश को पहले एक ही किस्त में 2800 करोड़ के करीबन 2400 किलोमीटर प्रदेश के अंदर मिलने जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा चरण, इसका कार्य कुछ शुरू हो चुका है, बाकी आगामी समय में होगा, उसमें इन सड़कों का रखरखाव और उसकी मरम्मत के लिए बजटरी प्रोविजन करवाया जाना है।